हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी टेलीग्राम पर किसी टेलीग्राम चैनल में या किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऑटो ऐड हो जाते हो? तो इस ऑटो ऐड प्रॉब्लम का मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति या आदमी आपके बिना मर्जी के किसी टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड कर लेता है और आप किसी भी टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में ऐड होना नहीं चाहते। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी है, क्या प्रोसेस करना है, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। गाइज, आप अपने टेलीग्राम में ये सेटिंग कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको कोई भी आदमी या व्यक्ति किसी भी चैनल में या ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम में आना है, अपनी टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन ऐसा पेज निकल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ सेटिंग का ऑप्शन है, तो सेटिंग का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। देन आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा गाइज, यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। देन आपको ऐसा पेज निकल के सामने आ जाएगा। देन आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एवरीबॉडी का ऑप्शन आएगा और माई कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए गाइज, अगर आपका एवरीबॉडी सेलेक्ट होगा टेलीग्राम की सेटिंग में, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपको टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में ऐड कर पाएगा। लेकिन अगर आप माई कॉन्टेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो नीचे दो एक्सेप्शन आ जाते हैं। चलिए गाइज, ये दोनों एक्सेप्शन को समझ लेते हैं। अगर आप ऑलवेज अलाउ वाले ऑप्शन में किसी भी यूज़र को ऐड करते हो, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही यूज़र आपको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल में ऐड कर पाएगा। लेकिन अगर आप नेवर अलाउ वाले ऑप्शन में किसी भी यूज़र को ऐड करते हो, तो इसका ये मतलब है कि ये यूज़र आपको कभी भी किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में ऐड नहीं कर पाएगा। देन फाइनली, ये दोनों एक्सेप्शन को आप यूज़ नहीं करते हो और माई कॉन्टेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट रखते हो, तो इसका ये मतलब है कि आपके फ़ोन के कॉन्टेक्ट में जो भी व्यक्ति या आदमी है, वही आपको किसी भी चैनल या ग्रुप में ऐड कर पाएगा। तो इसी तरह गाइज, मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, उसको आप फॉलो करोगे और सेटिंग कर लोगे, तो फ्यूचर में आपको कोई भी आदमी या व्यक्ति किसी भी चैनल या ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।